जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है शीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में भाई साहब हम अभी तो जा रहे हैं फिलहाल मारुति के शोरूम, और मारुति के शोरूम जाएंगे बाद में, पहले जो है एक बार गाड़ी धुलवा लेते हैं। बहुत टाइम हो गया गाड़ी यार धुली नहीं, और गंदी बहुत ज्यादा हो रही है अपनी सफारी, तो चलते हैं फटाफट से। और भैया अपन जो है प्लान कर रहे हैं एक गाड़ी लेने का, तो वो गाड़ी कौन सी हो सकती है भाई? देखो पर्सनली मैं आपको बताऊं तो यार एक ऐसी गाड़ी चाहिए सिटी के हिसाब से कि एवरेज जज की एवरेज दे, मतलब मान रहे हो बस एवरेज दे। तो जब एवरेज की बात आती है तब दो गाड़ियां अपने दिमाग में आती है, तो मारुति की कोई भी गाड़ी उठा लो आंख बंद करके, दूसरी वही इलेक्ट्रिक गाड़ी। सीएनजी पीएनजी पे जाना नहीं है, डीजल बंद हो गया इसलिए कोई सेंस नहीं है। अपना बजट जो है वो है 8 से 9 लाख रुपए का। अपने पास ऑलरेडी वेन्यू है, टाटा सफारी है, उसके अलावा जो तीसरी गाड़ी अपन अपने गैरेज के अंदर ऐड करने वाले हैं वो लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास ही होगी, जो सिटी में चला सके, एवरेज वगैरह बढ़िया दे दे। क्योंकि अभी यार वेन्यू की अगर अपन बात करें ना, तो वेन्यू यार एवरेज नहीं देती है, सही बताऊँ तो आपको 5000 रुपए का उसमें अगर फुल टैंक कराओ, वैसे तो 5500 रुपए के आसपास का होता है फुल टैंक करा, और ऑलमोस्ट जो है उसमें 500-550-600 किलोमीटर चल जाती है, जो मतलब यार अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो घर वालों ने वो तो गाड़ी दिला दी वही बहुत बढ़िया बात है फिलहाल तो। बाकी सही बताऊं तो अपनी वेन्यू थोड़ी सी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती होगी, अपनी रनिंग ज़्यादा है ठीक है, और वो ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ी है तो भाई उस हिसाब से पेट्रोल जज के पीती है, मतलब 11-12 से ऊपर माइलेज है ही नहीं भाई। और अगर आप मान लो ना बहुत तरीके से भी आप चला रहे हो, बहुत प्यार से भी आप चला रहे हो, तो जाके 16-17 निकाल देगी, पर इतने प्यार से अपन चलाते हैं नहीं, अपनी आदत है नहीं, अपना पंजा थोड़ा सा बाहर ही रह गया तो अपन भैया पेलम पेल चलाते, और वो भगने की भी नहीं है कुल मिला के, मतलब अगर ऐसे आप पावर होती ना उसके अंदर कि हाँ यार बढ़िया भगती है, तो कभी ना कभी अपन सोचते भी कि यार चल भगने की तो है, भगने की भी नहीं है भाई। तो अपन ऐसे कोई फन टू ड्राइव गाड़ी देखेंगे, वो इलेक्ट्रिक कार जो मिल जाता है अपन को, और एक अपनी मिल जाता है मारुति की जो नई स्विफ्ट आई है, तो वैसे स्विफ्ट कंसीडर करेंगे कि नया प्रोडक्ट है, अपने कंटेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। देखो झूठ ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, जो बात है वो है, ऐसी बात नहीं स्विफ्ट से बेटर प्रोडक्ट्स नहीं है, स्विफ्ट से बेटर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप बलेनो ही ले लो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है बलेनो की तरफ जाना नेक्सा के अंदर, लेकिन उतना आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो इवेंचुअली आपको स्विफ्ट से आसपास या फिर स्विफ्ट से थोड़ी सी सस्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, ये बात है। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार भैया, क्योंकि हम गिव अवे करने वाले हैं, आपको ये पता है किसी ने, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, हम जो है गिव अवे का हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, अब वो होने वाला है 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही आईफोन का गिव अवे, तो अगर आप वो लकी विनर बनना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और स्क्रीनशॉट लो जिससे हमें पता लग जाए, और उसकी स्टोरी डाल के मुझे मेंशन कर दो जिससे मुझे भी पता लग जाए, और मैं उस लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दूं कि जब हम गिव अवे करें तो उसमें से कहीं आप भी कंसीडर, आपको भी कंसीडर करें, कहीं आप छूट ना जाओ। ये बात है भाई, अभी तो पहले गाड़ी धुलवाते हैं क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, गंदी गाड़ी कल भाई दीक्षांत भाई आए थे उनकी गाड़ी में बैठ के इतना अच्छा लगा यार, कितनी साफ गाड़ी, साफ गाड़ी की बात ही अलग होती है। तो भैया जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और तैयार होकर निकल जाओ और उसके बाद ना काम नहीं होना, कितना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भैया। पहले आपको बताऊँ गाड़ी धुली नहीं कोई बात नहीं, दूसरी बात अभी 2-3 दिन पहले गया था मारुति सुजुकी वैल्यूएशन लगवाने वेन्यू की अपनी, कि यार सोच रहा था कि यार चलो दे देते हैं वेन्यू की, काम नहीं आने वाली, और गाड़ी अगर काम नहीं और बिना मतलब खड़ी रहे कोई यूज़ की नहीं रहे तो कोई सेंस वाली बात नहीं है भाई। तो इतना ज़्यादा मतलब मारुति का जो नेचर है ना, मारुति वालों का इतना ज़्यादा ऐसा है, मतलब इतना कैजुअल नेचर है भाई, मतलब उन्होंने 3 दिन हो गए उन्होंने वैल्यूएशन लगा के दी नहीं अभी तक ना कोटेशन जी, उन्होंने उनके पास फिजिकल कोटेशन नहीं थी मारुति स्विफ्ट की, तो उन्होंने बोला सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो व्हाट्सएप भी नहीं करी। और ये देखो भाई साहब ने छोरे मजे लेते हुए यहाँ पर एक बाइक के ऊपर 3-3 सवार, एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए कुछ नहीं कर सकते भैया, इसलिए संभल के अपन को चलना पड़ेगा। बाकी ये बात है, अब जा रहा हूँ वापस से उनके सर पे खड़ा होने की, भैया क्या बात है गाड़ी बेचने का मन है कि नहीं है यार, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे कैजुअल नेचर लेकर बैठे हो, पता नहीं यार कैसा नेचर हो गया लोगों का। तो गाइस ये तो अभी मारुति वाले तो अभी अपनी गाड़ी ले गए, मजाक कर रहा हूँ गाइस, एक्चुअली क्या है उसका रीज़न है, ये लोग गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, अपन जाके अंदर वैल्यूएशन वगैरह लगवाते हैं जब तक, मतलब पुरानी वाली गाड़ी की जो अपनी वेन्यू है, और रेट वगैरह लेते हैं और कैसा क्या सीन है। ओके तो गाइस यहाँ पर जो है एसेसरीज लगना भी चालू हो चुकी है स्विफ्ट के, और पता नहीं भाई क्या ही लुक बना दिया, देखो नीचे क्या लगा दिया ऊपर क्या लगा दिया, मतलब यार एसेसरीज के नाम पर बिल बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी काम करते हैं यार। तो भाई साहब मिले भाई साहब यहाँ पर, इन्होंने भी जो है अभी पुराने वाली स्विफ्ट ली, भाई साहब नई वाली स्विफ्ट क्यों नहीं ली? नई वाली अच्छी नहीं है यार। अच्छी नहीं है, 4 सिलेंडर ही चाहिए। तो 3 सिलेंडर, तो भाई 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव है दोनों के सेम ही है, और मुझे इनका नाम लेके गया है कि इनके काम से एक बार जाके आ रहा हूँ, और इनको पता नहीं क्या ही बोल के पार हो गया, भैया अभी तक आया नहीं। तो मारुति में भी ये सब चीज़ें हैं, ये होता है जब भीड़ ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है ना, तब वैल्यू कस्टमर की कम हो जाती है, कस्टमर की वैल्यू कम हो जाती है, बेस्ट वैल्यू कस्टमर की वैल्यू कम हो जाती है, सही बात लगा आपको भी, ध्यान ही नहीं दे रहे यार। तो भैया ये है इसकी प्राइस लिस्ट, आप देख सकते हो आपके सामने है, समवेयर अराउंड 7.5 लाख रुपए का तो अपना पड़ रहा है बेस मॉडल, और
8,31,390 रुपए का पड़ रहा है अपना VXI मॉडल। हालांकि VXI मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजें हटवा टू दी भैया, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह के लिए खूब प्रेशर कर रहे थे कि ले लो, पर अभी तो खैर बुक भी नहीं कराई अपन ने। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं अभी, यहाँ वेन्यू की जो प्राइस आई भाई, शॉकिंग प्राइस दी वेन्यू की, अब 6 लाख रुपए बोलते 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 ये 7 लाख रुपए तक आ गया। हालांकि कोई सेंस नहीं बनता है कि 10 लाख 20 या 30 हजार रुपए के आसपास की तो अपन ने ली थी, और मतलब सब कुछ मिला मिलो के बहुत महंगी पड़ रही है अपन को, तो कोई सेंस नहीं है। फिर उसी के साथ में अगर अपन बात करें अपनी जो ये है, कभी तो मैं सोचता हूँ LXI लूँ, कभी सोचता हूँ VXI लूँ, क्योंकि यार LXI जो मॉडल है वो जब जब रीसेल के लिए जाएगा ना, तो वहाँ पर जो है उसकी प्राइस थोड़े से जो है कम मिलेंगे मुझे एज़ कम्पेयर टू VXI, क्योंकि VXI चलता हुआ प्रोडक्ट है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है और VXI के नाम से ही गाड़ी बिक जाती है, ज़्यादा रेट छूटती नहीं है। LXI के अंदर लोग बाग कितना ही मैं उसको बेस टू टॉप कन्वर्ट करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, लोग बाग सोचते हैं LXI मॉडल, तो उस हिसाब से वो रेट लगाते हैं जितनी गाड़ी की एक शोरूम कीमत है उससे डेप्रिशिएट करके रेट लगाते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि इस गाड़ी में ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है। जैसे मेरे सामने जो मॉडल खड़ा ही है अपना VXI, और भाई कितना सुंदर लग रहा है आप देखो, मतलब सब चीज़ें लग रही है सारी इसके अंदर, सारी चीज़ें आपको ऐसे दिख रही है इसके अंदर कि हाँ भाई एकदम मतलब टॉप मॉडल वाली फील आ रही है इस गाड़ी के अंदर फ्रंट से। अभी अपने सामने दोनों VXI मॉडल खड़े हैं ना, एक के अंदर फॉग लैंप लगे हुए हैं एसेसरीज के अंदर, एक के अंदर नहीं लगे हुए। अभी एसेसरीज के जो फॉग लैंप इसके अंदर लगे हैं भाई, लग तो ऐसी लग रही है गाड़ी एकदम टॉप मॉडल वाला फील आ रहा है, प्रोजेक्टर वगैरह सब देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। मतलब इसमें कुछ कराने जैसा है ही नहीं कि इसके अंदर बेस टू टॉप कराया जाए, सारी चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर मिल रही है भाई। अब बताओ अगर ये वाला मॉडल अपन को 8,31,000 रुपये अनलोड पड़ जाए तो क्या बुरा है भाई, एक चीज़ बताओ, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देके इसका ऑप्शन ले लो जिसके अंदर पुश बटन स्टार्ट वगैरह जिसको चाहिए वो ले लो। हालांकि इसके अंदर सेंसर्स नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर साइड में, तो ये वाला मॉडल है नहीं। बाकी गाड़ी भाई दिखने में सुंदर लग रही है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह सब कुछ दे दिया। ये देखो भाई लोग बाग भी ऐसे देख देख के जाते हैं, मतलब एक तरीके से प्रोजेक्टर वगैरह है और एसेसरीज के अंदर अपने फॉग लैम्प लगाने के बाद तो भाई सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है। ताकि सही बताऊं तो यार आज भी मुझे स्विफ्ट से कई बढ़िया बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे अपनी बलेनो हो गए, कई मॉडल बलेनो के देखे तो कई 20-25 हजार रुपए महंगे है, कोई टॉप मॉडल 38,500 रुपए महंगा है, लेकिन उतना ही डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा, तो समवेयर अराउंड स्विफ्ट के आसपास ही जो मैंने आपको बताई थी वो कीमत पड़ जाएगी उसकी, तो ऐसे सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट तो मुझे थोड़ा सा बलेनो भी लग रहा है। हालांकि मैं देखो आपको सही चीज बताऊँ ना, अगर आपको लेनी हो तो आप स्विफ्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है, पेपी इंजन है, और जो थ्री सिलेंडर नाम सुन के आप लोग डर जाते हो ना कि टियागो और वो रेनॉल्ट और निसान जैसी गाड़ी हो जितना वाइब्रेशन होगा या वैसा इंजन होगा, तो भाई मारुति ने सच बता रहा हूँ बहुत मतलब बढ़िया तरीके से इंजन निकाला है, ज़्यादा वाइब्रेशन गाड़ी में फील नहीं होती। आपको इंजन खोल के देखोगे तो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि यार इंजन वाइब्रेट वगैरह हो रहा है थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू ओल्ड स्विफ्ट थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको नजर आएगा, पर इतना वाइब्रेशन नहीं है कि आपको अपनी इसकी टियागो या फिर किसी रेनॉल्ट वगैरह की याद आ जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे स्विफ्ट वगैरह के अंदर। बाकी यार देखते हैं देखो क्या होता है, हालांकि गाड़ी महंगी तो बहुत ज़्यादा है कुछ भी बोलो। हालांकि गाइस कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपकी राय यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानी जाएगी कि आप क्या चाहते हो, स्विफ्ट लिया जाए या फिर बलेनो ली जाए, या फिर कौन सी ऐसी गाड़ी है जो 8-9 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी वो ली जाए, जो एवरेज अच्छा दे दे, अब भले वो इलेक्ट्रिक हो या फिर वो इलेक्ट्रिक नहीं हो तो बहुत अच्छा माइलेज हो। भाई मेरे को तो मारुति के अलावा कोई ऐसी गाड़ी दिखती नहीं है जिसका माइलेज बहुत गजब का हो। अब स्विफ्ट है, स्विफ्ट का मेरा मतलब मेरा जो मोटिव है वो माइलेज का ही मोटिव है, तो इसलिए बलेनो में एक तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि यार बलेनो में भी मुझे पता है इतना कोई खास माइलेज मुझे नहीं मिलने वाला, माइलेज अपन को मिल जाएगा इसके अंदर अपनी ये जो है अपनी स्विफ्ट। अब स्विफ्ट थ्री सिलेंडर इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सिटी सिटी में चलानी हो चाहे हाईवे पे लेके जानी नहीं, हाईवे के लिए अपने पास ये अपना घोड़ा है ही, इसको कहीं भी ले जाओ। तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाफट से जाके वहाँ पर लिख दो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो के अंदर, अभी तो फिलहाल बुक नहीं कराई, बुक कराएंगे जब आपको साथ में लेके बुक कराएंगे, क्योंकि वीडियो तो बनेगा ही भाई और आप लोग सब में शामिल रहोगे क्योंकि सब कुछ जो है आपकी डिमांड पर है। तो ये वाली बात है भाई, मिलते हैं आपसे किसी ऐसी वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।